ये सितंबर का महीना है और हमारे देश में सितंबर महीने को हिंदी माह के रूप में मनाया जाता है। हमारे यहाँ बराक वैली असम में भी कोई संस्था हिंदी महीना, कोई हिंदी पखवाड़ा, कोई हिंदी सप्ताह और कोई हिंदी दिवस मनाता है। अनेकों संस्थाएं हर साल हिंदी दिवस समारोह, हिंदी सप्ताह समारोह, हिंदी पखवाड़ा समारोह और हिंदी माह का आयोजन करती हैं। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, गीत प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, निबंध, आलेख, सुलेख, वक्तृता प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, विजेताओं को पुरस्कार दिया जाता है। हिंदी के लिए जो काम कर रहे हैं ऐसे साहित्यकारों को सम्मानित किया जाता है, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है, सम्मान भी प्रदान किया जाता है और बहुत सारे हिंदी के बारे में जो विशेषज्ञ लोग हैं अपना विचार भी व्यक्त करते हैं। सिलचर में हम लोग 1997 से हिंदी दिवस समारोह मनाना शुरू किए। 1997 में पहली बार हिंदी दिवस उद्यापन समिति के नाम से सिलचर नरसिंह हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम किया गया था। उसके बाद कई वर्षों तक बराक हिंदी साहित्य समिति के नाम से होता रहा। तत्पश्चात हम लोग पिछले कई सालों से हिंदी भाषी समन्वय मंच, हिंदी भाषी महिला मंच, हिंदी भाषी युवा मंच, बराक चाय जनजागृति मंच और प्रेरणा भारती परिवार मिल करके और भव्य हिंदी दिवस का आयोजन करते आ रहे हैं। हिंदी पखवाड़ा मनाया हम लोगों ने, जिसमें गीत प्रतियोगिता बराक स्तर पर आयोजित की गई। डॉक्टर मन्नू यादव को बुलाया गया था असम विश्वविद्यालय में, बहुत विराट कार्यक्रम आयोजित किया गया 2018 में। इसी प्रकार से एक बार 2003 में काशी से कवियों को बुलाया गया था। प्रतिवर्ष किसी न किसी विशेष आकर्षण का आयोजन होता है हिंदी समारोह में। और भी कई संस्थाएं हैं जो सिलचर में हिंदी समारोह मनाती हैं, जिनमें प्रमुख रूप से बराक हिंदी साहित्य समिति, कछाड़ हिंदी भाषी छात्र परिषद, सिलचर दूरदर्शन, आकाशवाणी, असम विश्वविद्यालय, NIT और LIC और जितनी भी केंद्रीय सरकारी संस्थाएं हैं सभी हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह का आयोजन करती हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना के प्रकोप के चलते उस स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया नहीं जा सकता, इसलिए हम लोगों के ही सहयोगी संस्था शिवा म्यूजिक के निदेशक संजीव भट्टाचार्य जी से वार्ता हुई और उन्होंने कहा कि हम लोग इस बार हिंदी माह का शुरुआत एक वीडियो बनाकर करेंगे और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर, YouTube पर शिवा म्यूजिक चैनल के द्वारा प्रसारित किया जाएगा। ऐसे सिलचर में बहुत सारे मीडिया चैनल चल रहे हैं लेकिन एकमात्र शिवा म्यूजिक चैनल के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। केवल हिंदी के लिए ही नहीं, शिवा म्यूजिक के द्वारा साहित्य के जगत में, संगीत के जगत में और भी बहुत सारे विषयों पर समय समय पर वीडियो बनाया जाता है। उसी प्रकार से ये हिंदी दिवस के ऊपर आज ये वीडियो बनाया जा रहा है जो आप लोगों के सामने सोशल मीडिया में आएगा। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। अब हम इस कार्यक्रम के लिए श्रीमती सीमा कुमार जी को आमंत्रित करते हैं, जो हिंदी के बारे में एक अपनी कविता सुनाएंगी। सीमा कुमार जी, बराक घाटी के समस्त हिंदी भाषी भाइयों और बहनों को मेरा सादर नमस्कार। आप सभी को मालूम है कि ये हिंदी माह चल रहा है। इस हिंदी माह को बराक घाटी में क्या पूरे देश में अपने अपने तरीके से लोग हिंदी दिवस, हिंदी माह, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह मनाते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे स्थानीय एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल शिवा म्यूजिक ने एक पहल की है।
हिंदी के ऊपर उन्होंने एक विचार गोष्ठी का जो है एक छोटा सा शूट यहाँ पर बरम बाबा के पवित्र स्थान पर आयोजित किया है। इस अवसर पर मैं उन्हें हार्दिक जो है धन्यवाद देती हूँ। वो हिंदी के प्रति सदैव, मेरा उनसे करीब जो है 15 साल का जान पहचान है, वो हिंदी के प्रति बहुत ही समर्पित व्यक्ति हैं। इतना आग्रह हिंदी के प्रति अन्य माने गैर हिंदी भाषी में देखने को कम ही मिलता है। इसके लिए उनको हार्दिक जो है धन्यवाद दूंगी। और हिंदी का एक छोटा सा विचार गोष्ठी है तो मैं हिंदी का एक गीत, छोटा सा गीत जो है मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, जो मेरे द्वारा रचित नहीं है। ये किसी एक जैन मुनि हैं, उन्होंने जो है इस गीत को जो है रचा है। मैं उन्हीं के गीत को प्रस्तुत कर रही हूँ, 2 लाइन जी। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो, हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो, मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, का नहीं अपमान हो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो, हिंदी से संस्कृत जननी है जिसकी, हिंदी उसका लाल है, हिंदी उसका लाल है, हिंदी की बिंदी से चमके भारती का भाल है, माँ भारती का भाल है। तोड़ दो अब सैकड़ों वर्षों पुरानी बेड़ियाँ, अब गुलामों की वो भाषा ना मेरी पहचान हो, हिंदी के गौरव उठो, हिंदी को उच्च स्थान दो, हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो, हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो, मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, का नहीं अपमान हो। राष्ट्रभाषा ना हो जिसकी गूंगा और बेकार है, गूंगा और बेकार है, राष्ट्र से जो प्यार ना करते उन्हें धिक्कार है, हाँ उन्हें धिक्कार है। माँ की बोली से प्रथम हमको मिली संवेदना, माँ से माटी से कहे ना जान से अनजान हो, हिंदी के विकास से हो राष्ट्र का विकास हो, हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन से सम्मान दो, हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन से सम्मान दो। जय हिंद। 14 सितंबर को 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान में स्वीकृति दी गई, इसलिए जिस प्रकार 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाया जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इसी, चूँकि ये 14 सितंबर है, सितंबर महीने में पड़ता है, इसलिए पूरे सितंबर महीने को ही सितंबर माह के रूप में, हिंदी माह के रूप में पालन किया जाता है। आज हमारे सामने इसी विषय पर विचार रखने के लिए वरिष्ठ समाज सेवी माननीय श्री राजेंद्र पांडे जी आ रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि हिंदी दिवस के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। सुधी बुराक घाटी के भाई बहन और वरिष्ठ नागरिक बुद्धिजीवियों सबको हिंदी महीने का, इस सितंबर महीने का सभी को हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक शुभेच्छा शुभकामनाएं। बंधुओं, ये सितंबर का महीना जो है हिंदी महीने के रूप में मनाया जाता है, और ये हिंदी, ये जो सितंबर का महीना है और जो हम लोग हिंदी महीने का जो मनाते हैं,
ये 1949 अंग्रेजी से ये मनाया जाता है और हर एक जगह इसे मनाया जाता है। और आज के दिन में हिंदी एक ऐसा चर्चित भाषा हो चुका है कि कोई भी देश हिंदी को समझ लेता है और हिंदी में टूटे फूटे हो या जैसे भी हो लोग समझ लेते हैं। हिंदी का प्रचार और प्रसार पहले से कुछ अधिक हुआ है और मैं आशा करता हूं कि सभी बंधु और बुद्धिजीवी जितने हैं सभी आनंदपूर्वक इस हिंदी महीना को मनाएंगे अपने अपने लेवल से अपने अपने तरीके से। और मैं सबको अपना हृदय से अभिनंदन करता हूं कि सभी एकजुट होकर इस हिंदी महीने का आनंद उठाएं, जबकि ये अभी कोरोना का प्रहर चल रहा है, लोग काफ़ी तरह से ग्रसित हैं, फिर भी अपने अपने लेवल से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी अपने अपने गांव हो मोहल्ला हो देहात हो सभी इस भाषा को इस हिंदी महीने को पालन करें। इसी के साथ मैं अपना वाणी को अपने वाणी को ही विराम देता हूं। हिंदी केवल राष्ट्रभाषा ही नहीं है, यह संपर्क भाषा है, पूरे देश को जोड़ने वाली भाषा है, जन जन को जोड़ने वाली भाषा है। जब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो हिंदी ही संपर्क का माध्यम बनती है। असम से मेघालय में जाएं, नागालैंड में जाएं, मणिपुर में जाएं, अरुणाचल में जाएं, त्रिपुरा में जाएं, या फिर दक्षिण भारत में कहीं भी जाएं, महाराष्ट्र में जाएं, गुजरात में जाएं, पंजाब में जाएं, सारे देश में एकमात्र संपर्क भाषा हिंदी ही है जो पूरे देश को एक करती है। इसलिए इसको जन जन तक पहुँचाने का काम होना चाहिए और उसका प्रयास हो रहा है। धीरे धीरे हिंदी लोगों के बीच पहुंच रही है, प्रचलित हो रही है। तो आज इस कार्यक्रम में मैं रंजन सिंह जी, जो पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक सक्रिय और कर्मठ युवक हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आएँ और हिंदी के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। नमस्कार, आज मुझे ये हिंदी दिवस का जो विशेष आयोजन हो रहा है विचार गोष्ठी, उसमें बोलने के लिए बोला गया। हिंदी पर कुछ बोलने के लिए अंदर से एक गर्व महसूस होता है। हिंदी हमारा मातृभाषा तो है ही, साथ ही हिंदी हमारे देश का राष्ट्रभाषा है। हमें हिंदी के लिए जितना भी कुछ करना पड़े या जो हम कर रहे हैं वो सब कम है। हिंदी के लिए हमें बहुत कुछ करना है। सिर्फ हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़ा या हिंदी माह मना लेने से ही हिंदी का जो मर्यादा है उसे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हर काम जो हिंदी से जुड़े हुआ है, जो हिंदी का साथ संपर्क रखता है, उस काम में हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। भारत में हिंदी भाषा चलता है या भारत एक हिंदी भाषा का देश है, ऐसा माना जाता है। आज विदेशों में विभिन्न यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है ताकि भारत में आकर वे लोग यहाँ व्यवसाय कर सकें। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदी का विरोध करते हैं। हिंदी बोल लेने से या हिंदी का आप अगर साथ देते हैं, हिंदी का सहयोग करते हैं, तो आपका मातृभाषा नहीं बदल जाएगा। आपका जो मातृभाषा है वो वही रहेगा। ये सिर्फ हिंदी भाषी का दायित्व तो नहीं है कि हिंदी दिवस मनाए और हिंदी को आगे लेकर जाए, ये देश के हर एक नागरिक का दायित्व तो है। क्योंकि अगर हम भारत से बाहर निकलते हैं तो हिंदी से ही हमारा परिचय होता है, चाहे हम किसी भी भाषा भाषी के लोग हो ना क्यों। तो हमें हर भाषा भाषी के लोगों से आग्रह है कि बढ़ चढ़ कर आइए और हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा, जो जिस तरह चाहे, जितना दिन चाहे हिंदी दिवस मनाए। साथ ही हिंदी में के साथ जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। धन्यवाद। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, बनने चली विश्व भाषा जो अपने घर में दासी, सिंहासन पर अंग्रेजी है लक्कर दुनिया हासी, कह कह दी कबीराय विश्व की चिंता छोड़ो, पहले अपने गढ़ में अंग्रेजी के गढ़ को तोड़ो। तो आज देश में गढ़ को तोड़ने का काम चल रहा है।
और यहाँ सुदूर भारत के इस कोने में और ये असम के कोने में काछाड़ में जो ये स्थान है ब्रह्म बाबा का, इसके आसपास में हिंदी का प्रचार प्रसार कई वर्षों से बहुत तेज़ गति से चल रहा है। और इसी क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी हैं माननीय गणेश लाल छत्री जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो आएँ और अपना विचार व्यक्त करें। माननीय गणेश लाल जी, हिंदी भाषी समन्वय समिति हर एक साल की तरह इस साल भी हिंदी दिवस का आयोजन करने जा रहा है। आप सभी को पता है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसीलिए हम भी हिंदी समन्वय समिति आगामी 20 सितंबर इतवार को बोराखाई के हाई स्कूल के निकट शिव मंदिर के पास जो कम्युनिटी हॉल है उसमें हम हिंदी दिवस का पालन करेंगे। हम आप सभी को अनुरोध करते हैं कि आप सभी आकर यहाँ सहयोग करें और हिंदी के प्रचार के लिए आप सभी सहायता करें। हिंदी दिवस एक दिन नहीं हर दिन मनाना है, लेकिन ये हिंदी का माह है और इस महीने में विशेष रूप से हम लोग प्रयास करते हैं, स्मरण करते हैं, आयोजन करते हैं। इस बार कोरोना महामारी के चलते संक्षेप में कार्यक्रम किए जाएंगे, इसलिए शिवा म्यूजिक के द्वारा ये वीडियो बनाया जा रहा है। और इसमें मैं अगला वक्तव्य रखने के लिए सिलचर के पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता श्री जवाहरलाल पांडे जी से निवेदन करता हूँ कि वो आएँ और अपना विचार व्यक्त करें। जवाहरलाल जी नमस्कार। हम जिस देश के वासी हैं उस देश में गंगा बहती है। हम भारत में रहते हैं और अभी जहाँ खड़े हैं यह पूर्वोत्तर का क्षेत्र है। पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं और 7ों राज्य में अनेकों बोलियाँ बोली जाती है, हिंदी का यहाँ पर कमी है। इसे देखते हुए हमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंदी के लिए कार्य करना है, हिंदी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हिंदी के बिना सब अधूरा है। अगर आप बराक से यानी सिलचर से जो ही आप बदरपुर पार करते हैं, आपको ट्रेन में चढ़ते ही जो हमारे अन्य भाषा के भी लोग हैं या हम हैं, हमको हिंदी में ही बोलना पड़ता है। तो हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा करना है और इसके लिए हमें इस माह में अधिक जोर देना है। हिंदी का महीना चल रहा है, सितंबर का महीना हिंदी के लिए जाना जाता है। और एक बात बोलना चाहूँगा कि यह सिर्फ हमारा इस क्षेत्र का बात है, जहाँ तक देश का सवाल है तो 2014 में प्रधानमंत्री के रूप नरेंद्र मोदी जी जब आए तब से हिंदी का बोल यहाँ नहीं संघ तक गूंजा है। हमें सिर्फ पूर्वोत्तर के लिए थोड़ा जोर देना होगा, यहीं पर हिंदी की थोड़ी कमी है, हमें हिंदी के लिए काम करना है। दिलीप जी हमारे प्रेरणा भारती के प्रकाशक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत ही अनुभवी हैं, उनके माध्यम से मैं भी बोल रहा हूँ। मैं भी प्रेरणा भारती में उनके साथ काम किया हूँ और उन्होंने ही ये बोलने का भी जो है जो हम बोल रहे हैं वो सिखाए हैं, उनके माध्यम से हिंदी का विकास हो सकता है और इस माह में हमें करना है, इसके लिए आगे बढ़ना है। सुंदर सुयस भूमि भारत के देशवासे मोरे प्राण बसे हिंद देश रे बटोहिया। जाओ जाओ भैया रे बटोही हिंद देखी आओ, जहाँ वाकू हुकी कोयली बोले रे बटोहिया। इस देश के हम वासी हैं जिसकी भाषा है राष्ट्रभाषा है हिंदी, और उस हिंदी का माँ हम लोग मना रहे हैं। तो इस अवसर पर हमारे हिंदी भाषी समन्वय मंच के वरिष्ठ कार्यकर्ता रिटायर्ड शिक्षक माननीय श्री राम नारायण नोनिया जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वो आए और आ करके अपने विचार व्यक्त करें हिंदी दिवस के बारे में। माननीय राम नारायण नोनिया जी, हिंदी भाषी समन्वय मंच सिलचर अर्थात एक बराक घाटी के जो हमारे हिंदी प्रेमियों हैं और आदर्श जो भाई लोग हैं हिंदी के चाहने वाला, सभी से मेरा विनय अनुरोध है कि इस बार ये एक विपदा का घड़ी आ गया और दैविक है इसको
इसको कहा जाता है कि दैविक, तो इसमें हम लोग इतना जोर तोर से ये जो मनाते हैं उत्सव, वो मनाना नहीं है, सरकार से भी ये मना है। तो इसीलिए हम आज देखिए कि 16-17 बजे से हम लोग ये सिलचर के प्रेरणा भारती के सहयोग से हिंदी की हिंदी के जोर तोर से मनाते हैं। इसीलिए आज हम लोग का वो नहीं हो रहा है। हम लोग हर साल कहीं यूनिवर्सिटी में, कहीं कॉलेज में, कहीं सिलचर शहर में, कहीं गांव-गांव में मनाए आए हैं। और इस बार आप सभी हिंदी प्रेमियों से मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग अपने अपने गांवों में, मोहल्ले में ये हिंदी के उत्सव यथाशाध मनाइएगा, यही मेरा अनुरोध है। और मैं बेसी नहीं बोलता हूँ, आगे के वक्ता लोग सभी बहुत कुछ बोले हैं, अब मैं अपना वक्तव्य यहीं पर रख देता हूँ। सभी भाषाओं की माँ है संस्कृत, और बाकी सभी बहने हैं, हिंदी है, बंगला है, असमिया है, गुजराती है, मराठी है, पंजाबी है, सभी बहने हैं। और सभी भारतीय भाषाएं एक दूसरे के परस्पर पूरक है, सभी को मिलजुल करके और इस देश के उत्थान में प्रयोग करना है। हम लोग हिंदी माह मना रहे हैं, हिंदी दिवस मना रहे हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि बाकी भाषाएं नहीं मनाई जा रही हैं। राष्ट्रभाषा मतलब सभी राष्ट्रीय भाषाएं आ जाती हैं, इसीलिए सभी भाषाओं का, हमारी भारतीय भाषाओं का सम्मान है। और मैं विशेष कर से शिवा म्यूजिक को धन्यवाद देता हूँ जो आज ये वीडियो बना रहे हैं इस प्रकार से। और अगले वक्ता के रूप में मैं शिव कुमार जी, जो पत्रकार भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और गायक भी हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आएँ और हिंदी के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। शिव कुमार जी नमस्कार, मैं शिव कुमार। आज हम लोग हिंदी भाषी समन्वय मंच सिलचर की ओर से सिलकुड़ी बरम बाबा मंदिर स्थित प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। सितंबर महीना में प्रत्येक वर्ष भव्य रूप से हमारे बराक वैली में हिंदी दिवस समारोह मनाया जाता था, और अभी कोविड-19 महामारी के चलते भव्य रूप से कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। सरकार के सभी प्रोटोकॉल के हिसाब से ही हम लोग हिंदी दिवस समारोह मनाएंगे अगले 20 सितंबर को फकीरटीला स्थित शिव मंदिर कम्युनिटी हॉल में। और पिछले साल जैसे कि 50 जगहों पर हिंदी दिवस मनाने के लिए जो योजना बनाई गई थी, कोविड-19 के चलते ये संभव नहीं हो पा रहा है। और इस बार जो है सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसको अपनाएं। और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग हिंदी में ही अपना हस्ताक्षर करें। जैसे कि हमारे बराक वैली में कई ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी भाषा और हिंदी भाषा में अंतर निकालते हैं, वैसे देखा जाए तो भोजपुरी भाषा हिंदी भाषा का ही आयाम है और हिंदी हमारी देश की राष्ट्रभाषा है। तो हम लोग आज ये संकल्प लेते हैं कि हिंदी को हम लोग अपनाएंगे और हिंदी भाषा में ही अपना हस्ताक्षर या सरकारी काम करेंगे। धन्यवाद।